लोकसभा चुनाव में वोटिंग के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी शब्दबाणों का सिलसिला भी तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार चुनाव प्रचार को धार देते हुए कांग्रेस पर हिंदू आतंकवाद को लेकर तीखा हमला किया है। प्रधानमंत्री मौजूद थे महात्मा गांधी की कर्म भूमि कहे जाने वाले महाराष्ट्र के वर्धा में। यहां पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के करोड़ों लोगों का रिश्ता आतंकवाद से जोड़ दिया था, अब लोग जाग गए हैं तो वे भाग रहे हैं। पीएम मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ आतंकवाद जोड़ दिया, इसलिए जहां हिंदू आबादी अधिक है वहां चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए ऐसी जगह भागे जहां हिंदुओं की आबादी कम है। कांग्रेस पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हजारों सालों के इतिहास में हिंदुओं के आतंकवाद की कोई घटना नहीं हुई। पीएम ने सवाल पूछते हुए कहा कि मारी 5000 साल पुरानी सभ्यता पर कलंक किसने लगाया? ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? SPN 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया की रिपोर्ट।